गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री मेडविल इंडिया इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे मेडुल हिस्ट्री के बारे में उसकी डिविजन्स के बारे में इंडिया के डिफरेंट नेम ड्यूरिंग देयर टाइम्स डिफरेंट टाइम्स एंड द सोर्स दे टेल अबाउट दिस टाइम मेडुल टाइम मेडुल हिस्ट्री के बारे में जो सोर्सेज हमें बताते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे स्टार्ट योर चैप्टर यहाँ हिस्ट्री को थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है दैट इज एंसेंट मेडवल एंड मॉडर्न एंसेंट टाइम जो आपके सिक्स क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो हेयर वी स्टार्ट अवर मेडवल हिस्ट्री यानी मिडल बोला जाता है जिसे द वर्ड मेडवल स्टैंड फॉर द सम थिंग्स दैट इज लोकेट इन द मिडल तो वो पीरियड मेडल हिस्ट्री या मेडल पीरियड जो है वो कब होता है वो एनसेंट और मॉडर्न के बीच का मिडल का पीरियड जो है उसे मेडल पीरियड कहा जाता है और ये बेसिस ऑफ uh, और इस मेडल uh, पीरियड में क्या चेंजेस आए या इन्हें डिवाइड कैसे किया जाता है एंसेंट में मेडवल में और मॉडर्न में ये किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं कि समाज में क्या चेंजेस आए हैं पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए हैं ये बेसिस हैं जिन बेसिस पर इनको एंसेंट से मेडुल में आ, डिफर किया जाता है राइट right? कई आइडियाज में चेंजेस आए हैं फेथ बिलीव शार्प कॉन्ट्रास्ट वेन कंपेयर टू द देंसेंट एज वेल एज मॉडर्न टाइम इन हिस्ट्री मतलब एंसेंट टाइम में जो स्ट्रक्चर था हमारा इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल वो हमारा मेडुल टाइम में चेंज हो गया डिवेलप हो गया राइट मेडुल पीरियड जो है वो कब से कब तक होता है एट सेंचुरी से एटीन सेंचुरी के बीच में होता है नियर uh, अबाउट आप कह सकते हो कि थाउजेंड ईयर जो है वो मेडुलअल हिस्ट्री में आता है मेडुल हिस्ट्री जो है मेडुल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द एथ सेंचुरी बिकॉज इंपॉर्टेंट एंड विजिबल चेंजेस वर इन द सोसाइटी लाइक आप कह सकते हो कि समाज में जो आर्थिक चेंजेस आए धार्मिक चेंजेस आए वो सेंचुरी जो है मेडुल पीरियड में काउंट किया जाता है

एंड द लेट मेडल पीरियड में जो है वो कब स्टार्ट होता है वो थर्ट थर्टीन सेंचुरी से लेकर एटीन सेंचुरी तक जो है माना जाता है इनमें जो है रूलर्स जो थे वो कौन से थे तुर्की से अफगान से और मुगल्स थे इस पीरियड के ड्यूरिंग आए थे इंडिया का जो डिफरेंट नेम है टाइम के हिसाब से उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था जैसे मुगल के टाइम में नहीं इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता था ऐसे ही टाइम में इसे जाम्बू कहा जाता था जैसे और भारत वर्षा भी कहा जाता था बट पुरान्स में ऐसा कुछ रेफर किया गया है कि भारतवर्ष एज द दे कंट्री दैट वॉज रूल्ड बाय द ट्राइब्स कॉल्ड भारता आप कह सकते हो कि पुरान्स में ये रेफर किया गया है कि भारतवर्ष उस जगह को कहा जाता था जहां पर ये जाति के लोग रहते थे भारत लोग रहते थे राइट ट्राइब्स होती है जातियां द नेम भारतवर्ष इज ऑल्सो मैं इन ऋग्वेद में भी इसका मैंशन किया गया है राइट आप कह सकते हो कि इंडिया वॉज द ऑल्सो नोन एज द लैंड इंडिया उस टाइम में लो, उस लोगों को या वो लोग जो सिंधु रिवर के पास रह रहते थे उस जगह के लोगों को ही इंडिया कहा जाता था ठीक है अलग अलग टाइम में इसके नाम जो है अलग अलग किए गए बुक में भी कई बुक्स में भी मेंशन किया गया जैसे सप्त सिंधु जो है उसके बारे में इसके इंडिया के बारे में बात की गई है वो लैंड बताया गया है जो सात रिवर के बीच में ही सिचुएटेड था जि, आ, जिसे हम सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था जिसे ओल्ड पर्सियन लैंग्वेज प्रोनाउंसड संस्कृत वर्ड सिंधु एज हिंदू पर्सियन uh, लैंग्वेज में जो है हिंदू क्या कहा जाता था सिंधु कहा जाता था ऐसे ही फ्रेंच प्रोनाशिएशन uh, में क्या कहा जाता है उसे इंडस हिंदी कहा जाता है राइट right? और इंग्लिश में इसे इंडिया कहा जाता है ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट आवर कंट्री ड्यूरिंग द मेडिवल इरा हैड डिफरेंट जियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इन द अर्ली मेडिवल पीरियड द नेम मैंड लैंड दैट वॉज सिचुएटेड बिटवीन ट्रिब्यूटरीज प्राचीन टाइम या इरा के टाइम में जो है वो क्या कहा जाता था जो इंदस रिवर है उसकी जो फाइव सहायक रिवर्स बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज को ऑल्सो हैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना ये सारा एरिया जो है गंगा यमुना से लेकर इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज तक का इस एरिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाता था जैसे हिंदुस्तान नाम दिया गया जिसे थर्टीन सेंचुरी में क्या था मिनाज ए सिराज डिस्क्राइब द एरिया पंजाब हरियाणा एंड द फर्टाइल लैंड बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड यमुना मतलब इस एरिया के सभी लोगों को जो गंगा रिवर के पास का एरिया था और पंजाब हरियाणा का जो सारा फर्टाइल एरिया था वहां हिंदुस्तान जो है वहां सिचुएटेड था एज वर इंक्लूडेड इन द जोग्राफिकल एंटिटीज कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत जो ये सब ये एरिया कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था बाबर जो था वो मुगल एम्प्रायर का फाउंडर था वेंट स्टेप अहेड टू इंक्लूड द जियोग्राफी और उसके टाइम में मुगल के टाइम में जो है इंडियन कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता था हिंदुस्तान कहा जाता था इट वॉज ओनली इन द नाइनटीन सेंचुरी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज दैट हिंदुस्तान विद इट्स टेरिटरीज बाउंड्रीज बी आइडेंटिकल विद इंडिया जो इंडिया जो लैंड था ब्रिटिश टाइम के बाद जो है हिंदुस्तान जो है वो इंडिया कहलाने लगा पोस्ट इंडिपेंडेंस और हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो है ब्रिटिश राज के एंड के होने के बाद जो है इसके जो आज की प्रेजेंट प्रे टेरिटरीज है आज की जो बाउंड्री हमेशा होती है वो है उसका मैप एज ए मैप वैसे ही था वैसे ही था मीन्स जो टेरिटरीज आज हमारी है बाउंड्री जो आज हमारी है वो जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो है फाइनली मेडोल पीरियड की जो है हिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस क्या थी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है राइज ऑफ द मुस्लिम डायनेस्टी इस टाइम में जो है मुगल जो है भारत में आए थे और उनका राज स्टार्ट हुआ था तो मुस्लिम uh, डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी जिससे जो है वहां के कल्चर में संस्कृति में चेंजेस uh, आए थे और नॉर्थ uh, और साउथ इंडिया के बीच में जो है वो इंटरेक्शन जो है बढ़ा था सेकंड जो है वो मुस्लिम रूलर्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुस्लिम रूलर्स जो थे वो काफ़ी लार्ज एरिया पे शासन करते थे जिससे जो है राजनीतिक स्थिरता आई थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी और सभी जगह पर इनके टाइम में जो है बहुत डेवलपमेंट देखी गई थी कई टाउन्स कई सिटीज जो है वो डेवलप हो चुके थे इनके टाइम में ओवरसीज ट्रेड्स फ्लोरिस्ट इनके मुगल टाइम में जो हुआ था वो ट्रेड को बहुत ज्यादा एनकरेज एंकर, किया गया था इससे जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी किया जाना स्टार्ट कर दिया यानी सी एरिया से भी बाहर से चीजें लाई जाने लगी और इंडिया की ओवर जो प्रोडक्शन चीजें होती हैं वो बाहर भेजी जाने लगी जिससे जो है कल्चरल और रिलीजियस जो है वो चेंजेस आने लगे स्प्रेड ऑफ इस्लाम भक्ति और सूफी संस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर अपने जो मैसेज ऑफ लव कह सकते हो आप वो स्प्रेड करने लगे जिससे जो है ब्रदरहुड भाईचारे की भावना में विस्तार होने लगा और क्या चेंजेस आए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी चेंजेस आए इनके टाइम में जो है वो किस टाइप से जो है चीजें बनाई जाने लगी डोम उसमें गुम्बदों का यूज ज्यादा किए जाने लगा कार्बिंग जो होती है आप कह सकते की जो खुदाई करके या फिर कला में जो है ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगी खोद कर चीजें बनाई जाने लगी बहुत अच्छी कलाकृतियां की जाने लगी और रेड सैंडस्टोन और मार्बल का भी यूज किया जाने लगा सभी इमारतें बनाने में इस टाइम के जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे वो इस इस टाइम में जो है कई फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे जो यहाँ के किंग के बारे में उनके पॉलिटिकल जो है वो शासन जो चलाए जाते थे उनके जगह के बारे में जो है लिखा करते थे जिससे हमें ये पता चलता है कि फॉरेन ट्रेवलर्स ने जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि उस टाइम के जो शासक थे वो किस हिसाब से थे उनका शासन किस हिसाब से चलाया जाता था राइट right? अब जी सोर्सेज जो है हमें बताते हैं वो कैसे किस बारे में बताते हैं मेडुल पीरियड के बारे में बताते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं दे आर डिवाइडेड टू टू पार्ट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सिस आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते थे लाइक uh, like आप कह सकते हो मोन्यूमेंट्स जो है जो इमारतें हैं जो हमें बताते हैं इस टाइम के बारे में और लिटरेरी सोर्स जो होते थे जो रिटर्न रिकॉर्ड हमें मिलते थे वो लिटरेरी सोर्स में काउंट किए जाते थे राइट हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सिस बाकी ये हिस्टोरीज uh, जो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सिस है जिसमें मोन्यूमेंट और uh, सब कुछ ऐड किया गया इंस्क्रिप्शन ये ऐड किए गए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे राइट right? Thank you, have a nice day.